हेलो यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं जॉर्डन गार्डनिंग वर्ल्ड। आज मैं आपसे बहुत सुंदर प्लांट कॉस्मोस के बारे में बात करूंगी। कॉस्मोस एक एनुअल प्लांट है। सर्दियों और गर्मियों के मौसम में इसके फूल आपके गार्डन में खूबसूरती बिखेर देते हैं। आप देख सकते हैं कॉस्मोस का फूल कितना सुंदर दिख रहा है। इतने प्यारे खूबसूरत फूल आप कैसे पा सकते हैं? मिट्टी कैसे तैयार करें? बीज आप कब लगा सकते हैं? जैसे सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। बने रहे मेरे वीडियो में ताकि आपको कॉस्मोस प्लांट की देखभाल की सारी जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्मोस का बीज आप कब लगा सकते हैं। तो कॉस्मोस का बीज आप बसंत ऋतु में फरवरी से मार्च के बीच में लगा सकते हैं, जो आपको पूरी गर्मी फूल देता रहेगा। बारिश के मौसम में आप जून से जुलाई में कॉस्मोस का बीज लगा सकते हैं, जो आपको पूरी सर्दियों के मौसम में आपके गार्डन में फूल देता रहेगा। अगर आप सीड नहीं लगाना चाहते हैं तो नर्सरी से भी इसके प्लांट परचेस कर सकते हैं। नर्सरी में कॉस्मोस का एक पौधा आपको 10 से 20 रुपये में मिल जाता है। अब बात करते हैं मिट्टी के बारे में। आपके पास नॉर्मल मिट्टी है तो आप ऐसी मिट्टी बनाएं जिसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हो। अच्छी मिट्टी में पौधा लगाने से उसमें बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़मीन में पौधा लगा रहे हैं तो मिट्टी में गोबर की खाद को मिलाकर लगाएं। गमले में कॉस्मोस का पौधा लगा रहे हैं तो 50% गार्डन सोइल, 30% गोबर के खाद और 20% रिवर सैंड ले सकते हैं। आपके पास अगर गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि कॉस्मोस का पौधा ज़मीन में लगाना अच्छा रहता है या फिर गमले में, तो मैं आपको बताती हूँ, आप कॉस्मोस का प्लांट ज़मीन में लगा सकते हैं। ये पौधा ज़मीन में लगा हुआ है और देखिए कितने अच्छी तरीके से फूल दे रहा है। आप गमले में और ग्रो बैग में भी कॉस्मोस का पौधा लगा सकते हैं। 10 से 12 इंच का गमला अच्छा रहता है, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि गमला या फिर ग्रो बैग में ड्रेनेज होल जरूर हो। सनलाइट की बात की जाए तो कॉस्मोस प्लांट को 6 घंटे की धूप की ज़रूरत पड़ती है। अच्छी धूप मिलने से पौधे में बहुत सारे फूल खिलते हैं। अगर आपके गार्डन में ज़्यादा धूप नहीं भी आ रही है तो भी आप इस पौधे को लगा सकते हैं। पानी की बात करें तो ज़मीन हो या गमला, कॉस्मोस को ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। प्लांट में पानी देने से पहले मिट्टी को चेक करें। यदि मिट्टी की ऊपरी सतह सूखी दिख रही है तभी पौधे को पानी दें। ओवर वाटरिंग ना करें, क्योंकि ओवर वाटरिंग से जड़ें सड़ने लगती है और पौधा ख़राब हो जाता है। कॉस्मोस में ज़्यादा फूल पाने के लिए सूखे फूल को और पत्तियों को तोड़ते रहें। आपके प्लांट्स में एफिड्स का अटैक हो रहा हो तो ऑर्गेनिक नीम ऑयल यूज़ कर सकते हैं। खाद में आप ऑर्गेनिक खाद का यूज करें। हमारे प्लांट के लिए ऑर्गेनिक खाद बेहद फायदेमंद होता है। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप महीने में एक बार दे सकते हैं। मैं ज़्यादातर अपने पौधे में गोबर की खाद का ही यूज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।